अटक अटक झटपट पन घट पर चटक मटक एक नार नवेली गोरी गोरी ग्वालन की छोरी चली चोरी चोरी मुख मोरी मोरी मुस्काए अलबेली ककरी गले में मारी ककरी कन्हैया ने पकरी बहा और की अट खेली भरी पिचकारी मारी सारा रा 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 बोली पनियारी बोली आरा रा 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 अरे जा रे हटे नट खट ना छूरे मेरा घूंघट पलट के दूंगी आज तुझे गाली रे मुझे समझो ना तुम भोली भाली रे आया होली का त्योहार उड़े रंग की बोछार तू है नार नखरेदार मतवारी रे आज मीठी लगे तेरी गाली रे अरे जा रे हटे नट खट ना चूर मेरा घूंघट पलट के दूंगी आज तुझे गाली रे मुझे समझो ना तुम भोली भाली रे। जय श्री गुरुदेव। मित्रों, मैं आनंद दुर्गेश आप सभी संगीतकारों का स्वागत करता हूं और आज के इस वीडियो में होली बेस्ड ये फिल्मी गीत आप लोगों को मैं बताने वाला हूं नोटेशन के साथ में। पूरे गीत को गा के भी बताऊंगा। वीडियो के साथ बने रहें और बहुत कुछ इस गीत के माध्यम से आपको सुनने को मिलेगा, सीखने को मिलेगा। अभी होली आने वाली है तो सारी श्रृंखलाएँ अभी होली पर ही केंद्रित हैं। मेरे जितने भी वीडियो आ रहे हैं सभी होली गीतों पर आ रहे हैं, तो आगे भी वीडियो के साथ बने रहें और भी अच्छे अच्छे गीत आप लोगों तक पहुँचाए जाएंगे। तो आइए सबसे पहले स्केल देखते हैं, फिर स्वर समझते हैं, उसके बाद गीत को शुरू करते हैं। एक शब्द की नोटेशन बताने वाला हूँ। यदि आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल से जुड़ जाइए। आप चाहे तो मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं, उनकी लिंक मैंने नीचे आपको दे दी है। उस पर भी मैं संगीत से संबंधित वीडियो और ट्यूटोरियल डालता हूं, तो वहां से भी आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। तो आइए सबसे पहले स्केल देखते हैं। डी शार्प स्केल से आपको बता रहा हूं, डी शार्प को सी शार्प पे मैंने सेट किया हुआ है क्योंकि जो बजाने का अंदाज़ है वो सी शार्प ही मैं रखता हूं ज़्यादातर, क्योंकि मैक्सिमम लोग को जो है सी शार्प से हैबिट होती है बजाने की। तो नोटेशन आपको देता ही हूँ, आप अपने हिसाब से स्केल को सेट कर सकते हैं और अपनी स्केल में रियाज कर सकते हैं, अभ्यास कर सकते हैं। तो देखते हैं स्वर। सबसे पहले मैं जो भी आपको बता रहा हूँ इस पैटर्न में ऋषभ का प्रयोग बिल्कुल नहीं किया है मैंने, गाधा नी कोमल का प्रयोग हुआ है और बाकी जो स्वर है वो सभी शुद्ध है। ऋषभ का मैंने वर्ज किया है इसमें, छोड़ा है। तो देखिए आपका सप्तक क्या बनेगा। नी सा गा मा पा द नी सा नी द पा मा ग सा, इस तरीके से। तो रे को मैंने वर्ज किया है, आप चाहे तो प्रैक्टिस में रख सकते हैं, बाकी गीत में मैंने प्रयोग नहीं किया है। तो आइए सबसे पहले छोटा सा एक अंदाज होता है उसको समझ लीजिए, तो वो कोडिंग के साथ आप कर सकते हैं, बोल सकते हैं। थोड़ा सा शब्दों को याद करना पड़ेगा क्योंकि शब्द बहुत टेढ़े मेढ़े हैं, थोड़े से अजीब से हैं, लेकिन बहुत सुंदर है, बहुत अच्छा इफेक्ट आएगा इसको करने के बाद। यदि गीत को गाएंगे तो अच्छा लगेगा। देखिएगा, धगिन धिनक दिन धगिन धिनक दिन धगिन धिनक दिन अटक अटक झटपट पन घट पर। अब मैं सापा सा का कोड ले रहा हूँ, सिंपल मैं सापा सा यहाँ पे लगा रहा हूँ और कोई मैं यहाँ पे नोटेशन नहीं बोल रहा हूँ, ना ही नोटेशन दबा रहा हूँ, ना ही कोई नोट्स दबा रहा हूँ। तो आप चाहें तो ऐसी कोडिंग के साथ इसको बोल सकते हैं, बस आपको बोलने पे शब्दों का ध्यान रखना है, प्रोनाउंसिएशन सही से करना है। देखिएगा, अटक अटक झटपट पन घट पर चटक मटक एक नार नवेली गोरी गोरी ग्वालन की छोरी चली चोरी चोरी मुख मोरी मोरी मुस्काए अलबेली ककरी गले में मारी ककरी कन्हैया ने पकड़ी बहा और की अट खेली भरी पिचकारी मारी सारा रा 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 बोली पनियारी बोली आरा रा 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 रा। उसके बाद में सीधा आप गीत शुरू कर सकते हैं। तो मैंने केवल सापा सा का कोड लिया, इसी कोड पर मैंने ये शब्द बोले हैं, गाए हैं, ठीक है। एक बार वो देख लीजिए, थोड़ा स्पीड भी रख सकते हैं। अटक अटक झटपट पन घट पर अटक मटक एक नार नवेली गोरी गोरी ग्वालन की छोरी चली चोरी चोरी मुख मोरी मोरी मुस्काए अलबेली ककरी गली में मारी ककरी कन्हैया ने पकरी बहा और की अट खेली भरी पिचकारी मारी सारा रा 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 बोली पनियारी बोली आरा रा 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 रा। उसके बाद अरे जा रे हटे नट खट ना छूर मेरा घूंघट, या फिर जा रे हट नट खट ना छूर मेरा घूंघट। तो अरे से भी शुरू कर सकते हैं, जा से भी कर सकते हैं। अरे बोलेंगे तो फिर अरे जा रे हट नट खट ना छूर मेरा घूंघट सानी सा पा पा मा पा पा मा पा पा मा पा पा
इस तरीके से, मैंने आपको नोटेशन दिए, मैं सिंपल नोटेशन आपको देता हूँ ताकि आपको ईजी हो बजाने में भी गाने में भी। बाकी जो उसमें क्या किया जा सकता है वो मैं आपको वीडियो में बताते हैं, तो वीडियो को ध्यान से देखना भी है और समझना भी है। जा रे हट नट खट सा पा पा मा पा, ना छूरे मेरा घूंघट पा मा पा पा मा पा, इस तरीके से। तो फ्लो कैसा बनेगा? अरे जा रे हट नट खट ना छूरे मेरा घूंघट, पलट के दूंगी आज तुझे गाली रे, पलट के दूंगी पा मा पा पा, पलट के दूंगी आज तुझे मागसा, आज तुझे गाली रे, गामा पा मागसा नी गाली रे। यहाँ थोड़ा फास्ट लेना है, गाली रे। मुझे मुझे समझो निसा गा गा, मुझे समझो ना तुम निसा गा मा गा, मुझे समझो ना तुम भूली भाली रे, गामा पा मा गा, इस तरीके से। मुझे समझो ना तुम भूली भाली रे, अरे जा रे हट नट खट ना छूर मेरा घूंघट, पलट के दूंगी आज तुझे गाली रे। या फिर और देखिए थोड़ा वैरायटी। अरे जा रे हट नट खट ना छूर मेरा घूंघट, पलट के दूंगी आज तुझे गाली रे, मुझे समझो ना तुम भोली भाली रे। तो यहाँ पे मैंने कोमल निषाद को भी टच किया हल्का सा। अरे जा रे हट नट खट ना छूर मेरा घूंघट, पलट के दूंगी आज तुझे गाली रे, मुझे समझो ना तुम भूली भाली रे। तो यहाँ पे नी को हल्का सा टच किया मैंने, कण के रूप में नी का कण लिया है। इसके बाद में अगली जो लाइन है सेम नोटेशन है। आया होली का त्योहार, उड़े रंग की बोछार, तुहे नार नखरेदार मत वाली रे, आज मीठी लगे तेरी गाली रे। आरा रा 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 रा। आया होली का त्योहार, उड़े रंग की बोछार, तुहे नार नखरेदार मत वाली रे, आज मीठी लगे तेरी गाली रे, इस तरीके से। तो स्थाई हो गया सेम नोटेशन, इसलिए नोटेशन आपको नहीं दिया, उसी नोटेशन पर इन शब्दों को आप गा सकते हैं। इसके बाद में अंतर देखिए। ओ तक तक ना मार पिचकारी की धार, तो सा से लेना है, जो हो लेना है आपको सा से ही आप शुरू कर सकते हैं। हो तक तक ना मार पिचकारी की धार, सा पिचकारी की धार, या फिर तक तक ना मार पिचकारी की धार, आप चाहे तो कोमल गंधर्व को भी यहां टच कर सकते हैं। तक तक ना मार पिचकारी की धार, अगली लाइन। कोमल बदन सह सके ना ये मार, फिर से देखिए। कोमल बदन सह सके ना ये मार, निसा निदा निदा पमा गा गा पमा, कोमल बदन सह सके ना ये मार, तू है अनाड़ी धाधा मा धाधा, तू कोट के साथ, तू है अनाड़ी, तू है अनाड़ी बड़ा ही गवार, धाधा मधाधा मधाधा निसा, तू है अनाड़ी बड़ा ही गमार, कचरे में निसा रे सा निधा, कचरे में तूने अभीर दिया ढाल। उसके बाद में तेरी झक झोरी से बाज आई होरी से, चोर तेरी चोरी निराली रे, मुझे समझो ना तुम भोली भाली रे,
तो इसकी नोटेशन सेम ही है जो स्थाई की मैंने आपको बताई थी पहले लाइन की, जा रहे हट नटखट, उसी पर इन्हीं शब्दों को गाना है। ठीक है, आइए एक आध अंतराव देखते हैं फ्लो में। ओ धरती है लाल आज अंबर है लाल, धरती है लाल आज अंबर है लाल, उड़ने दे गोरी गालों का गुलाल, मत लाज काज घूंघट निकाल, दे दिल की धड़कन पे थिनक थिनक ताल, झांझ बजे चंग बजे संग में मृदंग बजे अंग में उमंग खुशहाली रे, आज मीठी लगे तेरी गाली रे, हर जार हट नट खट ना छूर मेरा घूंघट, पलट के दूंगी आज तुझे गाली रे, मुझे समझो ना तुम भूली भाली रे, आया होली का त्योहार उड़े रंग की बोछार, तू है नार नखरेदार मत वाली रे, आज मीठी लगे तेरी गाली रे। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसको गा सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगले वीडियो में नए अंदाज में नई जानकारी के साथ फिर से आपसे मिलता हूँ। तब तक के लिए जय श्री गुरुदेव।